तो भाई लोग और सब कैसा है? बढ़िया है ना? चलिए बढ़िया ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडियन फनी वेडिंग के ऊपर। आजकल वेडिंग में कुछ अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिल जाता है, तो अभी आप वही अजीब कारनामा देखेंगे। अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। जब किसी लड़के का शादी कहीं ठीक ठाक होता है ना, तो उसका चेहरा कुछ इस तरह का दिखता है, और जब शादी कर लेता है, एक साल बीत जाता है, तो उसका चेहरा कुछ ऐसा दिखने लगता है। ये सब स्थिति देखने के बाद भी शादी करने का मन किस नौजवान लड़के का नहीं होता है? सलमान खान का नहीं होता है भैया। चुप सॉरी झंडू गया तू। हालत देखिए मेरी, ये होता है शादी के बाद आदमी का। 5 दिन पागलखाने में रह क्या रहा हूं मैं? जाना चाहता पागलखाने? जाना चाहता है? शादी करेगा बावला कहीं का। भाई अगर शादी में नाचते हुए किसी दूल्हे को मैं देख लेता हूं, तो कसम से दिल से अंदर से बहुत दया आती है उस नादान बालक पे। इस लड़के को देखो जरा, अपनी शादी में कितना खुशी से नाच रहा है, और इसकी मोहतरमा मन ही मन चुपचाप खड़े होकर एक ही बात सोच रही है, आज तू अपनी मर्जी से नाच ले, आगे तो मेरी ही मर्जी चलेगी ना। लग रहा है भाभी जी ज्यादा ही बावली हो गई है, अपने देवर को पकड़ कर कस के जकड़ रही है। थोड़ा और देवर जी, थोड़ा और देवर जी। और बेचारा ये निहत्था देवर मन ही मन बस एक ही बात कह रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्यों बच्चे की जान लेना चाहती, छोड़ दो, मैं पहले से ही टूट गया हूं। भाई यहाँ तो भाभी देवर को परेशान करने में लगी है, खामखा ये गाना बदनाम हो रखा है। लागे डराई देवर करी घात ये राजा, दिन रात रहे छतिए पर हाथ ये राजा, कगान कटल बाहन वाले बात ये राजा, दिन रात रहे छतिए पर हाथ ये राजा। प्यार अंधा होता है, आज तक मैं केवल सुनता आ रहा था, लेकिन आज मैं अपनी दोनों आंखें से देख लिया हूं। सर पे न बाल कंघी रोज तुम चलाते हो, आधा उम्र बीत गया लड़कियां पटाते हो। भाई साहब यह सीन देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बुढ़े का शादी इस नई नवेली दुल्हन से हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। हमें भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में हमने इसे बार बार देखा, तब हम समझ में आया कि भाई शादी करने के लिए टोपा पहना जाता है, शादी करने के लिए नए कपड़े पहने जाते हैं, नए वस्त्र पहने जाते हैं जो कि चमकीला होता है, वो तो इन बुढ़े ने पहन ही नहीं रखा है। तो कुल मिलाकर हम यह निष्कर्ष निकाले हैं, यह लड़की का दूल्हा नहीं पापा हो सकते हैं। जरा आप गौर से देखकर बताइए, क्या हो सकता है ए बुढ़े इस नई नवेली दुल्हन का? हमें समझ में नहीं आ रहा है। भाई अजीब जमाना आ गया है, दुल्हन बुलेट से एंट्री कर रही है। जब यह एंट्री ही बुलेट से कर रही है, तो अपने ससुराल इंड में वापस जाएगी कैसे? पालकी से। बस अब तो ये पुराने गाने में ही रह गया है कि पालकी में होकर सवार चली रे। असल में अब पालकी लुप्त हो चुका है, पालकी में कोई जाना पसंद नहीं करता है, पता नहीं क्यों। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां है थोड़े से ये पल, एक बार चली गई जो ये बार लौट के ना। अजीब बात है यार, जब माला पहनना ही है तो फिर उठा पटक योगासन करने की क्या जरूरत है? ये तो कुछ नहीं है भाई। यहां देखो आप, दूल्हे और दुल्हन को एफिल टावर पर लटकाने की कोशिश किया जा रहा है।
अगर इसी तरह जयमाला करने का तरीका बदलता रहा ना, तो फिर दुल्हन को प्रशिक्षण प्राप्त करके जयमाला स्टेज पर जाना होगा कैसे बकरे को माला पहनाया जाता है। वाह क्या बात है, ताली। वधु ने वर के गले में माला फेंक देने के बाद कितना खुश हो रही है देखो। और भाइयों, इस सभी शादी के कार्यक्रम में कैमरा वाला का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो बार बार आपको कहेगा, भाई साहब इधर मुंह कीजिए, आपका वीडियो ले रहे हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब जरा इधर मुंह कीजिए, आपका वीडियो ले रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो, जैसे खाना ही खा रहे हो तो खाना खाओ लेकिन कैमरे की तरफ मुंह करके, नहीं तो आपका फोटो नहीं आने वाला है। और अगर कोई नाच भी रहा है ना, तो कैमरे की तरफ मुंह करके नाचना होगा, वरना फिर से उसका कोई फोटो नहीं आने वाला है कैमरे में। और जरा इस शादी में देख लीजिए, जब सभी लड़कियां और कुछ लड़के नाच रहे हैं तो कैमरे वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं। वाह, सब लोग सामने मुंह करके डांस करो, सब लोग सामने। हिम्मत तो देख रहे हो साले का, खुद ही हाथ डालकर कह रहा है सामने हो जा, सामने हो जा। अरे साला सामने हो चाहे ना हो, तुमको जो करना है वो करना, हमको जो करना है नाच कर रहे हैं, खाना खाना है खा रहे हैं, गाना गाना है गा रहे हैं, इधर मुंह करने की क्या जरूरत है। किसी अनिवार्य कार्य की वजह से शादी स्थगित की जा रही है, जिसका हमें खेद है, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, धन्यवाद। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी देखकर मजे ले सके। और भाई साहब एक कैमरे वाले भाई साहब,